सुप्रभात आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत स्वागत है आपका देव दृष्टि व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और शुरू करती हूँ जी आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग की शुरुआत करी मैं सुबह के 6 बजे से। और बढ़िया एकदम चकाचक धूप आ चुकी है, सूर्यदेव प्रकट हो चुकी है, क्योंकि गर्मियों का दिन है। 6 बजे तो मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कि सर्दियों के 8 बज रहे हो। तो दिखाती हूँ मैं आपको कितनी तेज़ धूप आ रही है। ये फ्रेंड्स पेड़ों के बीच से आपको सूर्यदेव दिख रहे होंगे, तो मैं आपसे इधर से दिखाती हूँ। और आसमान भी एकदम साफ है, लगता है आज धूप रहेगी तेज। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये फ्रेंड्स नाना धोना हो गया हमारा, मतलब मेरा। अब देखते किचन में क्या करूँ, क्या काम है दिया बत्ती के अलावा। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में। गई हूँ फ्रेंड्स किचन में मैं, और मम्मी जी को चाय मैंने पहले बना के दे दी थी। और इधर लहसुन प्याज वगैरह छील रखा है, काट रखा है मैंने। और ये है टमाटर, और इधर ये रही चाय, मैंने अपने लिए चाय बना रखी थी। तो अब मैं चाय भी पीती हूँ फ्रेंड्स। और इसमें बॉईल कर रखे हैं मैंने आलू, और देखती हूँ अब पहले आटा सान लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स आटा भी गूंद लिया है मैंने, अब आटे को ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। और इधर आलू का कुकर भी मैंने खोल दिया है, और आलू बहुत गर्म हो रहे हैं, इनको ठंडा करने के लिए वेट करती हूँ। पानी से निकाल के ना साइड में रख दूँगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आलू बहुत गर्म हो रहे हैं, आलूओं को ठंडा होने देते हैं, और तब तक मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। मम्मी जी को चाय बना के मैंने पहले ही दे दी थी फ्रेंड्स, और मैं पीती हूँ थोड़ा ठंडी चाय। नहा लिया है मैंने, और नहाने के बाद अब चाय पीते हैं पूजा वगैरह करके, क्योंकि नहाने से पहले मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो चलिए अब पहले मैं चाय पी लेती हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चाय वाय पी लिए मैंने, अब आ गई हूँ मैं बैक टू किचन। तो पहले काम कर लेते हैं आलू छिलने का। देखिए ये रहे आलू, मैं अब तो ठंडे भी हो गए हैं, तो ये आलू छिल लेती हूँ फ्रेंड्स मैं पहले, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आलू का आज क्या बना रही हूँ। फ्रेंड्स आलू भी छिल रही हूँ मैं साथ में, अभी तो मैंने 3-4 ही छिले, अभी छिल रही हूँ। साथ में कढ़ाई भी रख देती हूँ, क्योंकि तब तक मसाला मेरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने तैयार कर रखा है। तो तब तक गैस मतलब तेल हो जाएगा, तो फिर मैं मसाला भी तैयार करूँगी, साइड से आलू भी छिल लूँगी। तेल हो गया है, डाल दिया जीरा, मसाला भी डाल दिया है इसमें ना, टमाटर भी, क्योंकि प्याज मेरा भून चुका था। चलिए अब इसको रखते हैं। और ये देखिए इधर मैं आलू काट रही हूँ। हमारे पहाड़ों में फ्रेंड्स आलू के भुट्टे इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखिए एक एक पीस इतना बड़ा, और कभी कभी तो क्या होता है बड़े बड़े आलू होते हैं तो 4 ही पीस करते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और मसाला भी पूरा अंदर अंदर तक जाता है उसमें। तो आज मैं वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि आयुषी को वही पसंद है। कह रही थी मम्मा ग्रेवी वाली मत बनाना, रोज आप वही बनाती हो, आज आप सूखी वाली बनाना, आलू के गुटके बनाना। चलिए अब इसको काट लेती हूँ फटाफट। फ्रेंड्स मसाला भी तैयार हो गया है, और आलू भी अच्छे से कट के तैयार हो चुके हैं मेरे। अब डालती हूँ मैं आलू। चलिए अब इनको मिला लेते हैं मसाले में। फ्रेंड्स आलू एकदम तैयार हो गए मेरे, मतलब मसाले में एकदम कोट हो चुके हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और अब मैं इसको ना थोड़ी देर ढक दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक मिक्सअप हो जाए। और तब तक हम तैयारी करेंगे फ्रेंड्स रोटी की और चाय की, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, उनके लिए बनाना है मुझे। फिर बच्चों के लिए थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी, तो चाय बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ।
अपने हस्बैंड के लिए। और दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं अभी आपको। सो रहे हैं बच्चे तो। चलिए फ्रेंड्स, आलू बन चुके हैं मेरे बहुत ही बढ़िया आलू के गुटके। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए तो आलू के गुटके बन चुके हैं फ्रेंड्स, और इधर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी रख दी है। और अब बारी है फ्रेंड्स किसकी, रोटी बनाने की। तो चलिए जी अब बनाते हैं रोटी। फ्रेंड्स कपड़ा भी लगा दिया है मैंने, अब बनाते हैं रोटी। दो रोटी मेरी रात की रखी हुई थी, तो इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे इसका। और तवा रख दिया है मैंने, गैस जला दी है फ्रेंड्स, और आटा भी एकदम तैयार है। तो अब बनाती हूँ फ्रेंड्स मैं रोटी। सुबह सुबह नाश्ते में थे और शाम को हमारे घर में बहुत ही कम बनती है रोटियां, खाना जो भी है। चलिए अब फटाफट रोटी बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। चलिए फ्रेंड्स चाय भी तैयार हो गई है, रोटियां भी तैयार हो गई हैं, घी वगैरह लगा दिया मैंने। अब इसको ढक देते हैं रोटियों को और देखते हैं अब खाने वाले कब तक आते हैं। सब तैयार कर दिया, अब है गैस वैस साफ़ करने की बारी, इसको भी अभी करती हूँ। और इधर भव्वे भी उठ गए हैं, वो अपना कार्टून देख रहे हैं, और नेहा भी उठ चुकी है, वो अपना झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू करने के लिए गई है। पोछे की ड्यूटी तो आयुषी की है। तो तब तक मैं गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी आने में टाइम है, वो नहा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स गैस वगैरह भी साफ़ कर दिए मैंने, सिंक के सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। अब आएंगे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए नाश्ते की तैयारी मतलब नाश्ता लगा के दे दूँगी। सारा कुछ रेडी कर चुकी हूँ मैं, और तब तक मैं एक नज़र मार के आती हूँ छत में क्या हो। चलिए फ्रेंड्स अब देते हैं नाश्ता, नाश्ते वाले आ चुके हैं। चलिए आलू की सब्जी मतलब आलू की सब्जी नहीं, आलू के गुटके। अब देखने में कितने स्वाद लग रहे हैं, मतलब हाय लजीज। देखिए कढ़ाई भी पता नहीं क्या है, घूम जाती है। बाकी का सामान ले चुकी हूँ मैं, अब देती हूँ। कुत्तों ने तो दुखी कर रखा। कुत्ते ने ही किया होगा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे ना एकदम शांत है, हम लोग रात को लाइट जलाने के लिए लोग ऐसे ही कहते हैं ना, इस वजह से पता नहीं क्या हो रहा है फ्रेंड्स। ये धब्बे धब्बे धुलाई करनी पड़ेगी इसको ना। चल छोड़ तू अपना काम कर, अभी बाद में करेंगे धुलाई। बाइक हटेगी ना तभी तो होगी धुलाई भी ना। हम चलते हैं अंदर नाश्ते देने के लिए। फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह बन गया है मेरा, और अब नाश्ता करने वालों का इंतजार है। आयुषी भी उठ चुकी है, वो ऊपर गई है नहाने के लिए, और तब तक मैं अपने बाकी के सारे काम करती हूँ। और इस ब्लॉग को भी मैं इतना ही रखती हूँ फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय।